Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th. Smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut. Nutrima Hospital में delivery के दौरान बच्ची के हाथ में मल्टी फ्रैक्चर की घटना के बाद आज गढ़ रोड स्थित अजय हॉस्पिटल में एक नवजात की मौत हो गई। पीड़ित पिता सचिन तोमर का कहना है कि डिलीवरी के बाद प्रॉपर सफाई न होने के कारण उसे इन्फेक्शन हो गया, लेकिन इसे छिपाकर रखा गया और अंत में उसकी मौत हो गई। बाद में भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप से जुड़े किसानों ने अजय हॉस्पिटल के बाहर धरना शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि इलाज में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पहले देखिए धरने पर बैठे पिता सचिन तोमर ने क्या बताया। क्या नाम है भैया आपका? सचिन तोमर। भैया आज यहाँ अजय हॉस्पिटल में बैठे हो धरने पर, क्या पूरा मामला हुआ? सर इन्होंने डॉक्टर की लापरवाही है, बच्चे की मौत डॉक्टर की लापरवाही के कारण। कैसे? गंदा पानी नहीं निकाला, सफाई नहीं करी, इस कारण इसमें इन्फेक्शन फैल गया। तो अब आप लोग यहाँ बैठे हो, किस लिए बैठे हो? हमने बिल में कोई कमी नहीं करा, बिल दिया, टाइम पे बिल देकर गए, सब कुछ बिल का कोई वो नहीं है, बिल का टेंशन नहीं, बिल नहीं दे रहे, प्लान दे रहे, बिल जमा करके गए, सब कुछ लापरवाही। लापरवाही रखे हैं जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या भगवान को चिट्ठा बन गया, हमारा गाँव पड़ रहा है, थाना मुरादी पड़ेगा जी। तो थाने में कम्प्लेंट करी इस चीज की? कम्प्लेंट भी नहीं करी जी, लापरवाही करे हैं बहुत ज्यादा जी। आर्टिकलों से पानी निकला, गंदा नलकी से निकाला जी, उन्होंने नलकी डाल के गंदा पानी निकाला जी, जो है इंफेक्शन हुआ है ऐसा जिला पड़ा। मौके पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष कुलदीप तोमर ने यह कहा। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट का जिलाध्यक्ष हूँ कुलदीप तोमर। हमारे यूनियन के पदाधिकारी हैं महेंद्र सिंह तोमर, भगवान को चट्टावन के रहने वाले हैं। उनके 8 साल में एक लड़के के 8 साल में बच्चा हुआ था, इनका पोता। उस बच्चे की बड़े ऑपरेशन से यहीं डिलीवरी हुई है, इन्होंने कर दी, कोई बात नहीं है। इन्होंने 25 तारीख को जो है कहा कि बच्चा आपका स्वस्थ है, बच्चे को आप ले जाओ। बच्चा फिर कमरे में आ गया, कमरे में आने के बाद में उन्होंने दूध पियाया, क्या करा नर्स जी ने, नर्स ने जैसे भी करा वो दूध पियाया, वो बच्चे की जो है कहने लगे तबीयत फिर खराब हो गई। इन्होंने जो है वो नर्सरी में फिर रखा 25 तारीख को रात को, यहीं सुबह कहने लगे इसे बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब है जी, और किसी नर्सरी होम में ले जाओ। हम जो है मेडविन में, हमारे महेंद्र भाई साहब हैं, वहाँ ले गए बच्चे को। वो मेडविन वालों ने बताया इसके इन्फेक्शन पहले से था, जब इसके इन्फेक्शन पहले से था तो इन्होंने इन्हें छुट्टी नहीं करनी थी, इन्हें सही बताना था कि इसके इन्फेक्शन है, शायद इलाज सही तरह से हो जाता इसका तो बच्चे की जान बच जाती। इन्होंने बहुत गलत करा है, पहले भी इन्होंने कई केस ऐसे करे हैं, इन्होंने ज्यादा आतंक बचा रखा। जब तक इस नर्सरी अजय नर्सरी होम पे सील ना लग जाएगी, हटेना यहाँ से बिल्कुल भी, और बर्फ की सील आ रही है, यहीं रहेंगे, एक दिन रह जाओ या 10 दिन लग जाओ यहीं रहेंगे, और या तो सीएमओ साहब आ जा, और नहीं यहाँ से बाद में सीएमओ साहब के कार्यालय पे भी धरना देंगे, यहाँ से उठकर करना आए तो वो। उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर रखा, सरकार का फोन है 24 घंटे खुला रहना चाहिए, और उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर रखा सीएमओ साहब ने। कल को मुख्यमंत्री जी भी आ रहे, अगर ना सुनी तो कल को हमारी समस्त भारतीय किसान यूनियन भानो मुख्यमंत्री जी के जहाँ प्रोग्राम है वहीं कूच करेंगे, हम यहीं रहेंगे, यहाँ से लेना। कल को मुख्यमंत्री जी के वहाँ जाएंगे जो मेरठ में कल आ रहे, कल प्रोग्राम है उनका। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।